दोस्तों, आरपीएससी फर्स्ट ईयर की डेट आ चुकी है और कुछ लोग सोचेंगे कि अब दिन बहुत कम बचे हैं, क्या किया जाए। तो मैं आपको कहता हूँ कि पहले तो आपके पास जितने दिन है ना, आप उतने दिनों को सही तरीके से टाइम टेबल से यूटिलाइज करना सीख लें। दूसरी बात, मन के अंदर घबराहट और जो भय है उसको बाहर निकाल दे, क्योंकि एक बात ध्यान रखना, आज आपके पास सिलेक्शन नहीं है और रिजल्ट के बाद भी अगर आप इसी तरह करते रहे, घबराहट और भय का साथ में आप खुद को रखते रहे, तो वही रिजल्ट रहेगा जो अभी आपके पास है। ठीक है, तो अभी आपके पास जो है उसको आपको बदलना है, और बदलने के लिए दोस्तों मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, खुद को एक ट्रांसफॉर्मेशन करना है। इसके लिए आप ऐसा कीजिए कि आपने बचपन से देखा होगा कि आपका हमेशा जो एग्ज़ाम को देखकर आपको एग्ज़ाम फीवर हो जाता है, सब हर किसी को होता है, कोई इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आप लोगों को ये विश्वास रखना है कि मैं कर लूँगा। इसके लिए आपको टाइम टेबल के अकॉर्डिंग चलना है। लास्ट ईयर के पेपर आते हैं, जैसे हिस्ट्री के जो अभ्यर्थी है फर्स्ट ग्रेड के, जो अरियंत के लास्ट ईयर के पेपर आते हैं आईएएस पीसीएस के, पूरा पेपर लगने से उसी से आता है। और साथ में एक अरविंद भास्कर की वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ ली जाए तो जो सब्जेक्ट वाला पेपर है उसमें बहुत अच्छी बढ़त मिल जाती है, नो डाउट। ठीक है, अब आपको जिसका सिलेक्शन होना है ना, वो क्या करेगा, बिल्कुल एकदम हार और जीत से ऊपर सोचेगा, वो क्या करेगा, अपना टाइम को बेस्ट यूटिलाइज करेगा। और जिसका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, जिसको डर लग रहा है, वो अपने आप को समझने की कोशिश करना है कि आप लोग अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, अपनी की जो मेंटल एनर्जी है वो हार्श कर रहे हो। क्या आपके फ्यूचर आपको पढ़ने नहीं दे रहा है क्या? आप इस बात को सोचो और खुद को बदलने के लिए जिद करो। ज़िंदगी में जितनी जिद करोगे उतने ही आगे बढ़ोगे। कभी भी कोई इंसान ऐसे नहीं होता कि हाँ उससे पढ़ाई हो रही है, नहीं, वो खुद को भीतर से बदलता है और कोशिश करता है पढ़ने की। और आपको लग रहा होगा कि सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, करे उससे आपको मतलब नहीं होता। ज़िंदगी में एक बात मैं दावे के साथ कहता हूँ कि अगर ज़िंदगी में आपने मेहनत की है ना, उस मेहनत से आपकी ज़िंदगी में सकारात्मक बदलाव 100% आके रहेगा। ये मेरा वचन है, ये मेरा वादा है। भगवान सरस्वती माँ भी इतनी आपकी डायरी डायरी लेके बैठी हुई है, जितनी आप मेहनत करोगे आपके जीवन में उतनी सफलता निश्चित मिलेगी। कोई भी बंदा हो उसको पूछ लेना, जिसने ईमानदारी के साथ मेहनत की है उसका फ्यूचर देख लेना, उसका फ्यूचर हमेशा सक्सेसफुल होता है, भले इनिशियल स्टेज पे वो उसी एग्ज़ाम में कितनी बार भी फेल भी क्यों ना हुआ हो। मतलब आप जो मेहनत करेंगे उसका रिजल्ट निकलेगा, आप निराश मत हो। आप जो खुद को बनाने जा रहे हो वो आप बना लोगे और वो बन रहे हो, बस आपको दिखाई नहीं दे रहा है कि मेरा मैं जो कर रहा हूँ उसका रिजल्ट मुझे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा है, और 100% पूरा मिलेगा। आपको सिर्फ लगे रहना है। अब कभी कभी आपको महसूस होता होगा कि पता नहीं क्या है, आरपीएससी की प्रोसेस ऐसी है, तो दोस्तों मैं आपको क्या कहता हूँ कि आपको उससे कोई मतलब नहीं होता कि आरपीएससी की प्रोसेस कैसी है। आपका काम है एकलव्य की तरह केवल मछली की आँख को देखना और अपना निशाना साधने के लिए धैर्य रखना। चलो दोस्तों, मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ कि पता है आपको पढ़ने के लिए सबसे ज़्यादा क्या चीज़ चाहिए? एक चीज़ आपके भीतर होनी चाहिए जिससे आपकी बेहतरीन पढ़ाई होगी, वो है आपके ऊपर, खुद के ऊपर मन की विजय। अगर आपने अपने ऊपर मन विजय कर लिया है तो आपकी पढ़ाई निस्संदेह बेहतरीन होगी। और दोस्तों, मन विजय ऐसे नहीं होती है, मन विजय के लिए आपको इमोशंस के ऊपर तीव्र संवेग जो होते हैं आपके पढ़ाई के, आपके गुस्से से, जैसे आपकी ज़्यादा से ज़्यादा बेइज्जती हुई है, आप प्यार में टूटे हुए हो, ठीक है, आपकी गरीबी, माँ बाप या किसी के द्वारा आपका किया गया अपमान, ठीक है, समाज के दोस्तों के द्वारा दिया गया अपमान, ये आपको आगे बढ़ाता है। अगर दोस्तों आप सोचते हो कि आपके पास दुख और तकलीफ़ है, तो मैं कहता हूँ आपके पास ईंधन आ चुका है, फ्यूल आ चुका है। अब केवल आपको मोटरसाइकिल की रेस को स्पीड देनी है, स्टार्ट करनी है और उसे आपको चलता रहना, उस फ्यूल का यूटिलाइज करना है।
तो दोस्तों एग्ज़ाम की डेट जो भी आई हो, एक बात खुद से वादा रखना, लास्ट ईयर का पेपर आपको जो जैसे सब्जेक्ट वाले हैं वो अरिहंत का, लास्ट ईयर का आईएएस का या पीसीएस का, रोज़ एक पेपर रात को मिलाओगे, एक पेपर सुबह उठकर मिलाओगे, ये ध्यान रखना आप। हिस्ट्री के अभ्यस्तों के लिए, फर्स्ट ईयर के लिए मैं कह देता हूँ, पेपर का पैटर्न बहुत ईजी आएगा, इसलिए आप चिंता मत करना, उसको बेहतरीन ढंग से केवल ऊपर ऊपर से पढ़ना, 11 12 की बुक्स को 100% पढ़कर ही जाना, क्योंकि सवाल उसमें से आएंगे, पेपर का पैटर्न बहुत ईजी होता है। और एक बात मैं बता दूं, फर्स्ट ग्रेड की जो तैयारी कर रहे हैं फर्स्ट पेपर की, वे मैथमेटिक्स को आज से ही 1 घंटा आधा घंटा सिर्फ पढ़ना स्टार्ट कर दे, इंग्लिश के वो पढ़ना स्टार्ट कर दे, क्योंकि ये आपको सिलेक्शन दिलवाएगी। सकारात्मक सोच रखिए। और एक व्यक्तिगत रूप से बात कहना चाहूँगा कि दोस्तों, सुबह उठते ही मम्मी पापा के जो चरण होते हैं उसमें आप अंगूठे से उसको स्पर्श कीजिए और अपने दो भौहों के बीच में उसको लगा दीजिए। मैं दोस्तों आपको विद दावे के साथ कहता हूँ, आपका जीवन जो भी होता होगा उससे ये करने के बाद आपका जीवन और भी ज़्यादा बेस्ट होगा। क्योंकि मैंने पढ़ा था, जिसके सामने माँ बाप का आशीर्वाद होता है ना, उसके सामने देवदूत भी घायल परिंदे की तरह खड़े रहते हैं, उसकी किस्मत भी घायल परिंदे की तरह रहती है। मतलब अगर उसकी किस्मत में कुछ गलत भी लिखा हुआ है तो भी माँ बाप के चरण स्पर्श करने के बाद वो लाचार खड़ी रहेगी, वो तो आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। इसलिए सबसे बड़ी बात है आपका माइंड का टेम्परामेंट बहुत अच्छा रखना, कुछ भी हो जाए, चाहे एग्ज़ाम फोबिया का अपने ऊपर असर मत होने दो, शांत रहो, मस्त रहो, मुस्कुराते रहो और सीना ठोक के पढ़ो, डरना नहीं। एक बात जैसे लोगों ने आपने एक सुना होगा अकबर और बीरबल के बारे में, बीरबल कहता है कि बीरबल मांगो तो भाग्य मत मांगना, मांगो तो बुद्धिमानी मत मांगना, भाग्य मानना। माना जाता है कि बीरबल बुद्धिमान था और अकबर भाग्यवान था। दोस्तों ऐसा नहीं है, जिंदगी के अंदर वो ही सबसे ज्यादा प्राप्त करता है जिसके पास बुद्धि या भाग्य नहीं, जिसके पास सबसे ज्यादा साहस होता है। दोस्तों 10,000 की भीड़ जब युद्ध करने के लिए आती थी तब बीरबल 5 कदम पीछे तलवार लेकर छिप जाता था, लेकिन अकबर तलवार लेकर सबसे आगे दौड़ता था। इसको बोलते दोस्तों साहस। और ज़िंदगी में जब आप इसी तरह का मुसीबतों को सामना करने के लिए तलवार हाथ में लेकर सीना ठोक के जब बाहर निकलते हो ना, तब आपकी सफलता उसी क्षण निश्चित हो जाती है। दूसरी एक बात ध्यान रखना, अगर कोई इस एग्ज़ाम के दौरान बीच रास्ते में अगर बीमार पड़ जाए ना, तो दोस्तों मैं आपको एक चैलेंज के साथ एक बात कहता हूँ कि आप लोग तैयारी स्टार्ट करते रहना, अगर बेड पे ही बैठे हुए हो तो लेटे लेटे अपनी किताब को पढ़ते रहना, आपकी सफलता उसी दिन भगवान फिक्स कर देगा। कि जो इंसान अपने आप से जीत गया, इतनी मुसीबत और तकलीफ़ के बाद भी जो पढ़ाई कर रहा है उसकी सफलता तो उसी क्षण तय हो जाती है दोस्तों, क्योंकि जीतता आपका एटीट्यूड है, जो आपका मेंटली एटीट्यूड जो आप बनाते हो ना लड़ने का, जीतने का और उस जुनून का, वो आपको सफलता दिलवाएगा। अपने भीतर से डर निकाल देना। ज़िंदगी में एक बात दोस्तों ये भी याद रखना कि ज़िंदगी में सब कुछ सरकारी नौकरी भी नहीं होती है। अपने आप को इतना पावरफुल बनाओ कि सरकारी नौकरी लेकर उसको छोड़ने का औकात रखो। अपने आप को इतना रखो कि ठीक है दे दूंगा, लेकिन मुझे जानता हूँ मैं जहाँ पर खड़ा हो जाऊँगा वहाँ पर मैं कुछ अर्न करने की औकात रखता हूँ। खुद के ऊपर विश्वास बनाओ, कुछ अपने आप को ये साबित करने के लिए एग्ज़ाम दो कि नहीं मुझ में दम है और मैं इसमें दिखा दूंगा। अगर नहीं भी होता तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप अपने आप को बेहतर बना रहे हो, अपने आप को साबित करने की कोशिश कर लो, इसमें नहीं तो अगले में साबित करोगे, आपको अपने आप को बेहतरीन बनाओगे। इसलिए अपने भीतर से दोस्तों डर निकाल देना। हमेशा याद रखना कि बोले कितनी आएगी,
पीछे कोई विकेट नहीं है, विकेट कीपर नहीं है, हर बॉल के ऊपर सिक्स लगाने की कोशिश करो, रन लेने की कोशिश करो। अगर वो बॉल खाली भी जाती है तो भी चिंता मत करो, क्यों? क्योंकि अगली बॉल वापस आ रही है। फर्स्ट गेट की तैयारी करने वाले दोस्त और दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड DSSB में PGT की वैकेंसी आ रही है। केंद्रीय विद्यालय में PGT, TGT, PRT इनकी वैकेंसी आ रही है। नवोदय में अगले साल वापस आएगी, आर्मी स्कूल में अगले साल वापस आएगी। बहुत से ऐसे चांस है जब आपके लिए जॉब के एक नहीं बहुत से अवसर खुले रहते हैं, आपको सिर्फ पढ़ते रहना, और वो भी इस प्रकार से मन विजय करके। मन विजय करोगे तो चिंता भी नहीं होगी। अपने आप को आप समझो, अपने आप को समझाओ, अपने आप को ट्रेंड करो, लड़ो। 99% लोग लड़ते नहीं हैं अपने आप से, 1% लोग केवल जिद करते हैं। आप भी उस 1% लोगों में आ जाओ, आपकी जीत पक्की है और आपका भविष्य उज्जवल है। हमेशा अपने आप को कहते रहो, जीत पक्की है, जीत पक्की है, जीत पक्की है, भविष्य उज्जवल है, भविष्य उज्जवल है। भले कोई भी आपके ऊपर आपकी औकात को चैलेंज कर रहा हो, भले आपके ऊपर हंस रहा हो, लेकिन भीतर से आप फिर भी बोलते रहिए, फ्यूचर ब्राइट है, मेरा फ्यूचर ब्राइट है, क्योंकि उसके साथ आप खड़े हो, उसके साथ आपकी हार्ड वर्किंग खड़ी है। अपने माँ के दूध को कभी दोस्तों लज्जित मत होने देना, ज़िंदगी में कभी भयभीत मत होना, क्योंकि आपकी माँ ने जो आपको दूध पिलाया है उसकी परीक्षा होती है उस समय। याद रखना दोस्तों, अपने माँ के दूध की लाज रखना है, डरना नहीं है। भली वो एग्ज़ाम का डर हो या भली कोई भी परीक्षा क्यों ना हो ज़िंदगी की, अपने माँ के दूध की लाज रखनी है। तुम ऐसे शेर और शेरनिया हो जो कभी डर नहीं सकते। सीना ठोक के शेर की तरह गर्जना करके आ जाओ रण छत्र में। रण भेदी बन चुकी है, हम तो निकले ही थे बांध के सर पे कफन, जा हथेली पर लिए लो बढ़ चले हैं ये कदम। जिंदगी तो अपनी महिमा मौत की महफिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का तिल में है। जाते जाते दोस्तों मैं एक बात हमेशा कहता जाऊंगा, मनुष्य का स्वभाव है कोशिश करना, और कोशिशों के दौरान मानव स्वभावानुसार वह कभी कभी उन कोशिकाओं में शिथिलता बदलता है या फिर वह असफल हो जाता है। स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि 100 बार अगर अपने टारगेट बनाओ और 99 बार फेल हो जाओ ना, तो 101